एक खास भैया से मिलने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं जाकर के उनसे डांट पड़ती है, गालियां सुनते हैं क्या होता है। ओला बाइक से जा रहा हूँ मैं, हेलमेट लेकर के। हेलमेट क्यों लेकर के जा रहा हूँ ये तो उनके पास पहुँच के फिर ही बताता हूँ, क्योंकि भैया जो ओला बाइक वाले वो वेट कर रहे हैं। आज भैया बाइक राइड पे जा रहे हैं भैया के साथ में। देखो सुनील जी मिले थे हमें और बहुत ईमानदार भैया हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत बढ़िया इंसान हैं। इनके साथ में बाइक पे बैठ कर गया है। अदर बहुत ज़्यादा ईमानदार, सच में बहुत ईमानदार थे ये जो कैब वाले भैया थे, मतलब ओला बाइक वाले। और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचो इन लोगों के भी साथ लोग ठगी कर देते हैं। ये शुरुआत में जब दौसा से जयपुर आए ना, लाइट थोड़ी सी कम है, तो 1,000 रुपए की इनके साथ है ना फ्रॉड कर दिया यार, किसी ने चीटिंग कर दी। फिलहाल लिफ्ट में भैया से ऊपर मिलने जा रहा हूँ, देखते हैं भैया का रिएक्शन क्या आता है। हेलो 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 एवरीवन। तो फाइनली क्या है, मैं भैया से मिल लिया और एक भी मतलब एक भी गाली नहीं सुनाई है, एक भी कुछ भी नहीं। देखो गाली अभी तक अभी तक क्योंकि अपन ऐसी जगह बैठे हैं कि नहीं सुना सकता। अभी अपन गाली वैसे नहीं गाली सुनेंगे सुनाने वाला सुनाओ। इंसान है भी नहीं लेकिन क्या है, सुनाई नहीं है अभी तक फिलहाल। और बढ़िया माहौल चल रहा है। और बाकी भैया के बारे में भी कुछ मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि काफी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन उस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। और एज क्या होगी इसकी डूड की अश्वया? बड़ा क्यूट है सर, मतलब क्यूट है ही बोलेंगे वैसे तो बहुत ही बड़ी क्यूट है। बड़ी क्यूट है, बड़ी क्यूट है। फुल ऑफ फरीनेस, एकदम फर 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 पूरी नींद, पूरी नींद। मेल फीमेल वे आपके कंडे हुए से आंखें खुली हैं, अदरवाइज तो ए लाइट मारना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बार बार कैमरा एडजस्ट करता है फिर फोकस करने के लिए। लाइट की वजह से आंखें बंद कर ली, सॉरी 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 बेटा, लाइट बंद करता हूँ। जो हम हार्म नहीं करते एनिमल्स को बिल्कुल। बेटा अब तो खोल लो, देखो लाइट भी हटा दी मैंने, फ्लैश भी हटा दिया, खोलो। आप ये देख रहे हो, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं सोचा आप वीडियो कॉल कर रहे हो, फिर मैंने देख लिया वो रील थी वो। यार मैच देखने बैठ गए थे भैया के साथ और बड़े भैया के साथ, तो अभी मैं घर के लिए निकल लिया था लेकिन वॉलेट ऊपर ही छूट गया था, तो दोबारा से आया हूँ और आई एम गोइंग बैक। आ रहे हो? ग्राउंड ग्राउंड ठीक है। क्या जस्ट घर पे पहुंचा हूँ यार, और रात के 2:10 हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा डिनर और शायद व्लॉग 1-2 मिनट का भी मुश्किल से हो पाया, नहीं हो पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत लंबे समय बाद भैया से मिला था और असलियत में तो अंकल आंटी से ही मिलना था, बट वो शायद कल या परसों में जाकर के मैं मिलूंगा। बहुत अच्छा खासा डिनर और बहुत अच्छी अच्छी बातें, काफी सारी इंस्पिरेशन जो काफी टाइम से लैक कर रही थी, बहुत अच्छा मोटिवेशन और मतलब बहुत सारी चीजें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना, बड़े भैया के साथ बैठे, फिर उसके बाद में और भी मतलब लोग थे यार। ठीक है, सारी की सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं सब कुछ, और साथ में मेरे को जो बड़े भैया हैं उन्होंने मेरे को एक डार्क चॉकलेट, क्योंकि उनको पता लगा मैं भी डार्क चॉकलेट को पसंद करता हूँ, तो डार्क चॉकलेट दी उन्होंने मुझे। तो बस इसी के साथ में है ना आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं यार, जैसा भी लगा हो। वैसे तो देखो 1-2 मिनट का भी शायद बना हो तो बना होगा, इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, पिछले ब्लॉग जाकर के देख लेना, वो आपको जरूर से इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। और जल्दी एक ट्रिप पे निकलने वाला हूँ, सभी के ऊपर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे।